सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग्स। तो गोवा से जयपुर आने के बाद हम वापस से निकल रहे हैं नई ट्रिप में। नई ट्रिप पे हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पीयूष भैया वापस से कर रहे हैं शादी। अरे यार, पीयूष भैया बहुत ही रंगीन आदमी है। पीयूष भैया की सेकंड शादी हो रही है साथियों, तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों बर्बाद कर रहे हो? चल के भी शादी हुई नहीं, इससे पहले कहा था कि मत करना इस टाइप की चीजें ब्लॉग में। हाँ नहीं, वो मना कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरी वाइफ भी देखेगी, उसके परिवार वाले भी देखेंगे, ये सब मत करना। लेकिन सच देखो, छुपा ही नहीं छुपता, कुछ नहीं कर सकते। वो देखो, एक ना एक दिन तो निकलना ही था सच। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनकी दूसरी शादी में, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हम सब लोग वहाँ पे जाके। और मन तो हमारा था कि हम लोग गाड़ी से ब्लॉग को शुरू करें, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे थोड़े से। नहीं, हमारा मन था कि हम मम्मी की टिप्पणी लेंगे, मम्मी को कैसा लग रहा है कि हम लोग आज ही घर आए थे और आज ही निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या थोड़ा बहुत तो मेरे को गिफ्ट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लग रहा था कि मेरे को कुछ मिले? आपको क्या लग रहा था मुझे कुछ मिले नहीं वैलेंटाइन डे पे? लग रहा था, लेकिन जलवा है मेरा यार। चले यार, देख सकते हैं साथियों, तुम्हारा भाई जो है वो भी लेके जा रहा है फेयरवेल पे। जो मैंने कोट पहना था ना, जिन लोगों ने फेयरवेल वाली वीडियो देखी, वैसे सबने देखी है यार। दर्शन मेरा चैनल की सबसे ज्यादा शायद मोस्ट व्यूड वीडियो भी हुई है, ठीक है? यस यस। तो फिर वो वाला फेयरवेल वाला आपके यार, मैं वो भी लेके जा रहा हूँ, सूट लेके जा रहा हूँ। ले ले भाई, जल्दी चल रहा है। सीट होएगा क्या है भाई? गाड़ी में बात करेंगे, चल रहा हूँ। ठीक है आंटी, मिलते हैं फिर आपसे जयपुर पहुंच के। मम्मी, आपको अच्छा लगा हम लोगों को देख के? शरण भैया का प्रोग्राम था ना, वहाँ पे जाना जरूरी था, इसलिए आए थे हम लोग जयपुर, और हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, एक अनहोनी हो गई है, वही पुरानी आदत है ना कि कपड़े नहीं लाया। ये तो पागल है मम्मा, इनको हम रात से बोल रहे हैं कपड़े लेके आना, अब उल्टा पड़ता है ना घर। क्या अलमारी से देख ले? हाँ, मेरी अलमारी से ले लो कपड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथियों, जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि बंसिया की बहुत पुरानी आदत है कि बंसिया कभी भी कपड़े लेके नहीं आते हैं, और फिर लास्ट में हमको परेशान करते हैं। वो जम्मू कश्मीर तक गए थे ना बिना बैग लिए चले गए थे, तो भाई यार किस्म के आदमी बहुत ज्यादा। दर्शन, ये बता मेरे को कपड़े क्यों नहीं लेके आए वो भाई? उनको याद दिलाया था, नहीं दिलाया था अपने? चार दिन पहले बोल देना उनको। ये तेरे मुंह में क्या है? चिंगम। अच्छा, चार दिन पहले बोल दिया था, कल रात को भी बोला था, आज सुबह भी बोला था, और फिर बंसिया लास्ट में लेके नहीं आए। और अब उनका जो घर है वो और दिल्ली का रास्ता एकदम उल्टा उल्टा है, और बोल रहे हैं कि मैं घर जाके लेके आऊँ। लेकिन हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, हम उनको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अब वो मेरी अलमारी से ही मेरे कपड़े पहनेंगे, अब मैं उनको ट्रिप पे उनके कपड़े पहनने नहीं दूंगा। उनको सबक मिलना चाहिए, हर गलती सजा मांगती है, ये मेरी मम्मी का डायलॉग है। बच्चों ने गलती कर दिया था, मम्मी मेरे को यही डायलॉग बोल के जो है ना पीटा करती थी कि हर गलती सजा मांगती है। अच्छा, पापा को भी बोलते थे क्या? अच्छा, वो कहते सॉरी, मैंने नहीं सॉरी नहीं, हर गलती से मांगी। वेरी नाइस। तो बच्चों ने खूब सुताई हुई है मेरी, इन चीजों से भी हुई है सुताई है, इस हिस्से और किसकी किसी चीज में मारे मम्मी आपने मेरे को, जो हाथ में आ जाए। और डायलॉग हमेशा ये फिक्स रहता था। तो बंसी चौधरी जी, क्या हो गया, आप आज कपड़े लाना कैसे भूल गए? बंसी भैया, मुझे पता नहीं था कि दिल्ली चलना है। अच्छा, पता नहीं था क्या आपको? नहीं। अरे यार दर्शिल, आपने बताया ही नहीं बंसिया को। है मम्मी, आपने भी नहीं बताया बंसिया को, मैंने भी नहीं बताया बंसिया को। है बंसिया, कोई नहीं, अभी ले लेंगे। अब ले लेंगे, आप घर चल रहे? नहीं बंसिया, मेरे घर से लेंगे कपड़े। आप मेरे भाई हो, आप मेरे जितने मर्जी उतने कपड़े पहनो, ये सारे कपड़े आप ही के बंसिया, जो मर्जी पहनो आप यार। हाँ, रेड वाला वो नीचे बैग भी ले लो, ये आपका नया सूटकेस, और अब आपको जो मर्जी पहनो। क्या पहनना पसंद करोगे बंसिया? देख रहे हैं क्या पहनना पसंद करोगे बंसिया को? जो मर्जी वो पहनेंगे बंसिया। बंसिया के लिए एक चड्डी निकाल, दर्शिल हट। बंसिया, आपके लिए मेरे खास भाई बंसी चौधरी के लिए मैं यहाँ से एक जोकी का चड्डा निकालना चाहूंगा, हरे रंग का। बंसिया, बंसिया हो ना आपके लिए स्पेशल। अरे यार वो चले गए यार, ये पैक कर ले एक बंसिया के लिए। क्या हुआ? पैक तो करना पड़ेगा। है, करना पड़ेगा क्या? मेरे पहना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बंसी जी भाई है हमारे, उनके लिए खास खास सॉर्ट के देखो यार। पोछा बनेगा किसका? साथियों, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में पुराने कपड़ों में पोछा बनता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। और जिसके पोछा नहीं बनता पुराने कपड़ों से, ज्यादा अमीर हो रहे हो, तो फिर आप भैया आपसे ही लोग नहीं हो। आप लोग क्या है, हमसे थोड़े उच्च किस्म के लोग हो, है दर्शिल? ऐसा मेरे साथ हाई स्टैंडर्ड के लोग हो आप लोग, है ना? ऐसा कोई घर होता होगा कि मैं यहाँ पे पुराने का पोछा नहीं बनता? नहीं,
पहुंचा तो नहीं बनता लेकिन डस्टिंग के काम में। अरे कुछ ना कुछ तो काम आया था ना पुराना कपड़ा, या फिर ऐसे कुछ होते होंगे रही जा दे। हां जैसे तेरे को कुछ नहीं करो ना था ऐसे। हां नहीं क्या कर रहे हो, मत करो ना यार मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। भाई तू चल क्यों नहीं रहा, तू बैठ क्यों है बार बार? अरे तो बंसी भैया कहाँ गए मेरे को क्या पता? बंसी गए बाहर। अच्छा वो गए क्यों, कपड़े हो गए पैक? यस। चलो फिर ले लिया उनका, हमने लाल बैग पैक कर लिया बंसी आगे। क्या अरे ब्रश तो उंगली से करते हैं ऐसे, आपको पता नहीं है क्या अम्मा? वो बड़ा आदमी है वो नीम की लकड़ी का दांत में कर लेंगे वो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जा लेफ्ट या राइट यहां से? भाई चलना कहां से है, शॉर्टेस्ट से भी चलना है वो अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है। हां तो लेफ्ट ले ले भाई। सर बता रहा हूँ मैं, जब भी यहाँ पे घुसता हूँ ना मेरे को जम्मू कश्मीर की याद आती है यार, तेरे को आती नहीं आती याद है ना? यार एक दिन वापस बर्फ में जाना है यार मेरे को। देख भाई। ये भाई भी अभी पीयूष भाई की तरह खुश होगा है ना, इस भाई की शादी हुई है यार, पीयूष भैया थोड़ा एक्स्ट्रा खुश है अभी। साथियों भी आपको कुछ दिखाएंगे, आपको मजा आ जाएगा भाई। मंसी भैया सुन रहे हो मेरी बात? आपकी जब शादी हुई थी तो आपको क्या मिला था आपकी वाइफ की तरफ से? गिफ्ट विफ्ट ससुर जी ने क्या दिया था? बहुत कुछ मिला है वंसिया, बहुत कुछ। सारी चीजें देखो पीयूष भैया खुद ही बताएंगे, बाकी आपको मेन मेन चीज बता दूंगा वंसिया, जैसे सुन के हमें मजा आ गया। एक तो जिस गाड़ी में अपन घूम रहे हैं ये वाली गाड़ी मिल गई उनको, नहीं हाँ, और एक मिली मर्सिडीज की GLS। अच्छा देख रहे हो वंसिया, देख रहे हो 75 लाख देख लो वंसिया, आपको मिली थी क्या हैं? भाई अपने कौन बंसिया को तो लड़की मिल गई, वही बड़ी बात है। यार बंसिया पहाड़ों में वादियों में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा ये लग ही नहीं आ रहा हमारा इस जयपुर के अंदर होंगे, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे आए हुए। हाँ। वाह यार बढ़िया है, अच्छा अच्छा है दोस्तों, जयपुर है जयपुर, आप भी आओ घूमने। यस जयपुर आओ घूमने और हमसे मिलो, आओ फिर हमसे मिलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में घूमेंगे, हम घुमाएंगे आपको जयपुर में। लो भाई साथियों लास्ट टोल आ गया है हमारा दिल्ली से पहले, और ये पहली बार है कि हमारा भाई दर्शिल यार ड्राइविंग करके लेके आया है हम लोग को दिल्ली, तो दर्शिल भाई अब अपन लोग सोलो ट्रिप से आ सकते हैं, और हम लोगों को बंसी भाई को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार से बंसी भाई को हम लोग उनकी बाइक के साथ एंजॉय करने जाएंगे घर पे। बिल्कुल बिल्कुल अगली बार तुम्हें आना। मुझे पता है बंसी भाई को बहुत खुशी होगी अगर हम लोग अकेले आ जाएंगे तो, जो लोग बंसिया को यहाँ पे लाके जो है ना परेशान कर देते हैं। बंसिया को हम लोग के कोई भी गलत काम नहीं करने देते, हम लोग के अच्छे लोग हैं, हम लोग उनको गलत काम करने रोकते हैं, और ये बहुत ही गलत किस्म के आदमी है तो उनको गलत काम करने शौक है, तो इस चक्कर में हमारे साथ परेशान होते हैं ऐसे ही। ये बात है दर्शिल, ये है ना सच्चाई, सच्चाई। और बाहर आने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड्स की याद आती है, ऐसा वाइफ की याद आती है। यस यार दर्शिल ये अच्छा आदमी दिखने की कितनी कोशिश करते ना, यस कितने बार से बोल रहे। अच्छा हूँ भाई, क्या अच्छा ही हूँ मैं तो, अच्छे हो गया वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा लेकिन आप अच्छे हो या बुरे हो तो हम बताएंगे ना, आप ही बताओ। बताओ वंसिया बताओ बताओ, ये बात बताने का हक तो हमें है, हमें है वंसिया आपको नहीं है। चल ठीक है, और आप बहुत ही बुरे आदमी हो, आपकी तो हम लोग अभी बता नहीं सकते, आधी बात तो चित्तौड़ से वापस कैसे आए थे आप? चलो कोई नहीं साथियों, अब अपन लोग पहुंचते हैं भाई, मेरे को बहुत तगड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, पीयूष भाई की शक्ल देख रहे हैं क्योंकि हमारे खास मित्रों के अंदर अभी वही है एक जिनकी शादी हुई है दर्शिल, इनके अलावा कोई मेरा खास दोस्त जिसके साथ हमने पार्टी वार्टी करी हुई ऐसा कोई दोस्त अभी तक तो मैरिड हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना कोई पैदा नहीं होता ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ लेकिन खरीदना फिर तेज की बातें क्यों कर रहा है तो क्या हो गया आपको नहीं मिली तो आप दुखी क्यों हो रहे हो अगले पे क्यों डिपेंड करके आ रहा है बेचारे कोई आएगी तो उसको क्यों कर इसको परेशान क्यों करना है तो दही रोटी फेन दे दो जी वैगन दो मैंने तो बोला ही नहीं कि दो ये हो रही शादी में बोले वो मिलेगी शादी तो इसलिए कर रहा है कि तेरे को गाड़ी मिले। हां इसलिए कर रहे हैं हम तो, इसलिए कर रहे हैं फिर ठीक है क्या फिर ठीक है क्या आपने किस लिए की थी क्यों इसको जी बता दो क्यों करी थी शादी ये बता दो बस बाद में बताएंगे ये बता दो क्यों करी थी शादी आपको उद्देश्य क्या था शादी से बाद में बताओ प्यार प्यार था ना प्यार करते इसलिए कर दिया शादी हां लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड से तो किसी और की शादी हो गई गलत आ गया यार क्या हो गया दिल्ली वाले रास्ते में आ गए यार दिल्ली वाले रास्ते में हाँ अपन को कहाँ जाना था गाजियाबाद तो और वो पीछे जाता अब अपन को कितना आगे जाना पड़ेगा अब तो छूट गया अब रास्ता छूट गया अब तो हाथ से सब कुछ चला गया अब क्या हो गया अब
दिल्ली जाएंगे, पीयूष भाई के पास जाएंगे, और तो क्या है। अच्छा वो जहाँ पे तेरे को जाना था वो जगह रह गई क्या? अरे यार बंसी ने ना बाधा वादा मिल गया है। अरे यार बंसिया ने बद्दुआ लगा दी थी बंसिया ने, और कोई बात नहीं है। पीछे जिंदगी पहली बार तो हमारा भाई दर्शिल खुश था, अब वो भी आज बंसिया ने ऐसे कर दिया दर्शिल के याद में। कोई नहीं, अब अपन लोग पीयूष भाई की शादी अटेंड कर लेंगे। आप लोग कल आ जाएंगे, कल आ जाएगा मेरा भाई। भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सब चीजें तेरे लिए है मेरे भाई। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। मम्मी फोन कर रहे हो? हाँ तो जिसको बोल रहा हूँ कम चला ले स्पीड इसको, मतलब 90 पे चल रही है यार। 90 से कम चला ले उसको। बंसिया हाथ मिलाओ यार, आप हाथ मिलाओ, जल्दी हाथ मिलाओ। आपको हम साथ में इसलिए लाते ताकि आप हम लोगों का ध्यान रखो। जो आपने अभी किया ना, ये एक आपने वो क्या बोलते हैं फर्ज निभाया अपना, अपनी जिम्मेदारी समझिए आपने। और आज हम लोग बहुत खुश हुए कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझ के दो बालक को जो गलती कर रहे थे उनको रोका, उनको डांट के उनको सही किया, उनको सुधारा आपने बंसिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बंसिया। मम्मी को फोन मत करना, हम समझ गए। साथियों कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी आर जस्ट जोकिंग। बंसिया सही कह रहे हैं, बंसिया आदमी अच्छे हैं। बंसिया ने हमारा दिल की सोच बदल दी है, अब हम लोग शादी प्यार के लिए करेंगे ना कि जीवन के डिफेंडर के लिए, है ना। लेकिन हम लोगों को थोड़ा खेद है, थोड़ा सा दुख है बंसिया के लिए। बंसिया की प्यार से शादी नहीं हो पाई। क्यों? बंसिया की यार उनकी गर्लफ्रेंड से कहां शादी हुई। मतलब तो लोगों को बोल रहा है कि तो अरेंजमेंट हो तो लव मैरिज करेगा। यस लट से ले ले भाई। वैसे अपन को पीयूष भाई की शादी के लिए तो यही आना था ना, उस रास्ते के हिसाब से तो ठीक है ना। वैसे तेरा वाला काम तो अभी वैसे भी नहीं हो पाता यार। क्यों? अरे नहीं यार हो जाता तब तो कह रहा हूँ यार। यार तब तो सही में तेरे को दुख होना चाहिए यार, तो सच्ची में लेट हो गया यार, बहुत तगड़ा। अपना दुख जताऊंगा मैं, दुख जता यार, रोले थोड़ा सा लोग। फाइनली दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में यहाँ पे हम लोग मोमोज खाने रुके थे, तो भैया ने मतलब काफी हॉस्पिटैलिटीज है हमको यहाँ पे वेलकम किया और काफी टेस्टी मोमोज भी खिलाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर से ट्राई करें, मेसी मोमोज है भैया के। कहाँ पे है भैया थोड़ा आप बता सकते हैं लोकेशन? हमारा विशाल एन्क्लेव बी ब्लॉक के अंदर पड़ता है। अच्छा मंजी, आइसक्रीम खाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। कैसे भाई आप लोग कैसे खाते हो? हम लोग आपकी तरह खाते हैं कैजुअली। मेरे पास एक कैजुअल तरीका है। हाँ दिखा आइसक्रीम खाने का ना। दिखा दिखा दे, इधर दिखा दे, मुझे पता है तू क्या बात कर रहा है। मैं ब्लर कर दूंगा, दिखा तो दी, मैं ब्लर कर दूंगा, दिखा दिखा दिखा, इधर भी दिखा। नहीं नहीं अरे दिखा ना, खाली 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 पॉज कर, ऐसे दिखाऊंगा। देखो वीडियो प्ले नहीं कर रहा। कैजुअल है थोड़ा, कैजुअल तो है, बढ़िया एंजॉयमेंट हो गया। हेलो कांग्रेचुलेशन भैया जी। भैया मैं आपके घर के बाहर आ गया, आप क्या करना है? ऊपर। अच्छा आप ऊपर ही हो गया? गेट खुलवा रहा हूं। चलो चलो खुलवा दो, खुलवा दो भैया। भाई साहब तो देख सकते हैं साथियों, पीयूष भैया के घर हम लोग पहुंच चुके हैं, ख्याला गांव की खुली खुली गलियों के अंदर। यहाँ पे आके पता नहीं अलग सी वाइब आ जाती है, बंसिया को अपनी गर्लफ्रेंड के घर की याद आती है। अरे भाई मुझे तो पीयूष भाई की याद आती है। साथियों समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की बहुत तगड़ी टक्कर चलती है ना, वैसे यूपी के अंदर चलती है बीजेपी और अपने समाजवादी पार्टी की बहुत तगड़ी टक्कर। तो अभी जो अपने पीयूष जी है वो तो बीजेपी के है ना, उनके पापा तो बीजेपी से टिकट लिए थे, और जो इनकी वाइफ है उनके पिताजी और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो समाजवादी पार्टी से है। तो यहाँ पे तगड़ा गठबंधन चल रहा है, आ जाओ चलते हैं अंदर फिर देखते हैं। अरे यार ये तो पीयूष भैया की शादी की पार्टी के अंदर हैंग कर रखा है यादव जी ने। यार अब पीयूष भैया आपके लेकिन पर कटने वाले मेरे ऐसे सुनने में आ रही है, ऐसा होता ही नहीं होता, होता है क्या? बाकी अब आपको एक्सपीरियंस तो अब बंसी जी की तो यारी हो गई यहाँ पे पहले ही। यार बंसी भैया क्या कर रहे हो?
बंसी भैया एक और शादी करो, हम आपकी शादी में भी ऐसे ही नाचेंगे। आशीष भैया ने अपनी फीमेल फ्रेंड को आज नाइट ओवर में इनवाइट कर रखा है। यार ऐसा क्यों किया भैया आपने, मतलब आज भाइयों के साथ में आपने ऐसा क्यों किया, अपनी फ्रेंड को भी बुला लिया आपने? यार ये तो गलत बात है यार, गलत बात है। और हम सब लोग क्यों लटे हुए लेकिन इनके साथ में, आपकी फ्रेंड के साथ में? हमें भी तो बुलाया था। अच्छा अरे यार अब टाइम और दिखा दे भाई एक बार। क्या टाइम, टाइम कहाँ दिखाए बताओ, टाइम कहाँ दिखाए? रुको ये देखो टाइम दिखा दो यार, इतना हो गया। और यार सुबह 4:30 बज रहे हैं यार, बस अलार्म बजने वाला है मॉर्निंग वॉक का। ये हमारा भाई दर्शिल गहरी नींदों में सो रहा है और ये इनकी फ्रेंड थोड़ा थक गई। हाँ। वो गया भैया के साथ में थी थोड़ी देर तक। दाढ़ी वाली फ्रेंड है भैया ने थका दिया थोड़ा। कार्तिक एक बार क्लोज से दिखाऊं, दाढ़ी भी आ गई है। वो दाढ़ी आई नहीं, वो ये है थोड़ी सी इनकी चिपक गई ना आज, वो काटे थे ना बाल तो थोड़े से हट रहे थे, वो लग गए। और कुछ चलो सही है, थोड़े मुस्कुरा भी रही है सोते सोते। थोड़े ज्यादा ही नहीं लगे गए यार ये बाल, ये थोड़े ज्यादा लग गए। मंजी जी को बुलाओ इसकी। तो साथियों उड़ाओ भाई, उड़ाओ 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 भाई इसको, ये बेचारा बीमार हो जाएगा सुबह तक। आशीष, आशीष भैया आप बॉडी बिल्डर हो ना भैया? अरे क्या कर रहे हो? ओए विजय तो उड़ ले खड़ा हो। अरे खींचो ना यार, खींचो ना, जोर लगा के है ही गिर जाएगा वो। अब बढ़ा दो। ठीक है भाइयों, गुड नाइट, सुबह सुबह मिलते हैं। भाई कल क्या करना है पीयूष भैया का फिर ये बताओ। डांस, डांस करना है भाई बागड़ी के साथ। भाई बागड़ी के साथ सुबह मिलते हैं। ओके ठीक है, ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।